बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शाम को एक दोस्त के साथ आनर और शेम किलिंग्स इन पाकिस्तान के मौजू पे कुछ तबादला ख्याल हुआ। बड़ा अहम मौजू था क्योंकि पाकिस्तान में आनर और शेम किलिंग्स प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत कमज़ोर है और इस हवाले से कुछ नई अमेंडमेंट्स भी सामने आई हैं। तो अभी पिछले दिनों 27 सितंबर 2019 को कंदील बलोच केस भी सामने आया जिसमें उसके भाई को उम्र कैद की सज़ा दी गई और कुछ लोगों को बरी भी किया गया। उसमें आनर और शेम किलिंग्स पाकिस्तान में कारोकारी सियाहकारी के नाम से, आपको पता है कि इसको को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, और आपको पता है कि तकरीबन हर साल पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में आनर किलिंग्स के नाम से 5,000 से कुछ ज़्यादा ही, तकरीबन 5,000 के करीब कत्ल होते हैं। और ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तकरीबन 1,000 गैरत के नाम पर कत्ल जो हैं वो पाकिस्तान में किए जाते हैं। और हालांकि पाकिस्तान 1996 के अंदर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का जो मुआहदा था यूएन का, उसकी रेटिफिकेशन की थी, उसमें शमूलियत और उसके बाद उसकी रेटिफिकेशन 1996 में की थी। लेकिन इसके बावजूद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि हर साल तकरीबन 1,000 के करीब गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं और प्रोसिक्यूशन जो है वो उस तरह मजबूत नहीं है और ये एक सोशल ईवल की तरह मामला फैलता जा रहा है। और आम तौर पे हम ये देखते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल के वाक्यात और जराइम हमारे माशरे में, हमारे गिर्दोनवा में आए रोज हमारे सामने आते हैं, और मामले की संगीनी को देखते हुए और इस तरह के मामलात होते भी संगीन हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान पिनल कोड 1860 सेक्शन 299 के अंदर आनर की बिना पर इस गैरत के नाम पर किए जाने वाले जराइम जो हैं वो कारोकारी, सियाकारी और दीगर ऐसे रस्म व रवाज की बिना पर फैमिली की इज्जत बहाल करने के लिए, जिसको कहा जाता है कि जी इसमें फलां फैमिली मेंबर ने, फलां खातून ने ख़ानदान की इज्जत को डिसऑनर किया है और इसकी बिना पर मुख्तलिफ जराइम जो किए जाते हैं ये सब गैरत के नाम पर जराइम से मंसूब हैं। और सेक्शन 299 जो है PPC 1860 जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है और काफ़ी हद तक इसकी इंटरप्रटेशन करती है। और आपको पता है कि जनवरी 2005 के अंदर गैरत के नाम पर जो जराइम किए जाते हैं और प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होने की वजह से छूट जाने वाले मुजरमान बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से कुछ तरामीम की गई थी फौजदारी कानून के अंदर और ऐसे जराइम जो कि आनर किलिंग्स में आते हैं और शेम किलिंग्स में आते हैं उनमें मलवस अफराद माफ़ी और समझौते जैसे जो कंडीशंस आ जाती हैं, शरायत आ जाती हैं, उसकी आड़ में छूट जाते हैं, कम सज़ा पाते हैं। होता है इस तरह कि चूंकि एक फैमिली है, फैमिली के अंदर ही लोग, एक बंदा कत्ल करता है तो दूसरा फैमिली मेम्बर जो है वो उसको माफ़ करने आ जाता है, तो इस वजह से प्रोसिक्यूशन जो है वो एज सच बहुत कमज़ोर हो जाती है। और असल मामला तो समझौता है कि फैमिली के एक मेंबर
के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने डिसऑनर किया है फैमिली की इज्जत को, और दूसरे फैमिली मेंबर ने उसको कत्ल कर दिया, और तीसरा फैमिली मेंबर जो उसका कंप्लेनेंट है वो फौरी तौर पर थोड़े अरसे के बाद उसको माफ़ कर देता है और समझौता कर लेते हैं और माफ़ी कर देते हैं, और इस वजह से आम तौर पे प्रोसिक्यूशन कमज़ोर हो जाती है, और ऐसे लोग जो हैं या तो उनको सज़ा बहुत कम होती है या फिर कम सज़ा उनको मिलती है। और आपको पता है कि जुलाई 2016 के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गैरत के नाम पर होने वाले जो कत्ल हैं उनके हवाले से नए मसवदे कानून की तैयारी की, जिसके तहत गैरत के नाम पर जो होने वाले कत्ल है उसको फसाद फिलर्स की जो मामला है, जो कि जिसकी डेफिनेशन आपको पता है कि सेक्शन 311 PPC के अंदर दी गई है, उसके अंदर उसको रखा गया, और इसकी सज़ा जो है 25 साल तक जो है मुकर्रर की गई है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जिस तरह से एक फैमिली मेंबर कत्ल करता था दूसरा फैमिली मेंबर उसको माफ़ करता था, तो इसमें ये भी अच्छी बात है जुलाई 2016 में जो अमेंडमेंट की गई थी कि ये माफ़ी जो है वो फैमिली मेंबर इसको माफ़ नहीं कर सकेगा। और उसके अलावा आम तौर पे आपको पता है कि जो लोग कैद में जाते हैं 25 साल कैद है, जैसे ये अभी कंदील बलोच के भाई को उम्र कैद दी गई 25 साल तक के लिए, तो 27 सितंबर 2019 को ये सेंटेंस दी गई थी। तो ऐसा जो मुल्ज़म है जिस पर जुर्म साबित जब हो जाता है गैरत के नाम पर किलिंग्स का, तो अब ऐसे मुल्ज़मान को, ऐसे लोगों को मजहबी और कौमी त्यौहारों पर, जो आपको पता है कैदियों को जो रायतें दी जाती हैं, जो उनकी सज़ा के अंदर तहफीफ़ की जाती है, वो भी उनको रायत नहीं दी जाएगी। और इस कानून के तहत ये भी वाज़े कर दिया गया था 2016 जुलाई में कि गैरत के नाम पर जब कत्ल होगा तो वरासा जो हैं, जैसे कंदील बलोच के इसमें अगर हम देखें तो उसके वालिद उसके भाई को माफ़ करने आ गया, लेकिन जुलाई 2016 से पहले अगर मामला होता तो वो तो उसने छूट जाना था। उसके बाद जो नई अमेंडमेंट्स है उसके तहत आपको पता है कि अदालत को जो है वो राजीनामा जो वारसान का है उसको मंजूर करने या मुस्तरद करने का हतमी इख्तियार हासिल है, यानी माफ़ीनामे का जो छूट दी जाती थी या जो कोई कंडीशन रख के समझौता के हवाले से, माफ़ी के हवाले से जो मामलात आते थे, अब उसमें डिस्क्रिशन, एक्सक्लूसिव डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट आ गई है कि अगर अदालत चाहेगी तो वो उस समझौते को, उस माफ़ी को मंजूर करे या उसको मुस्तरद कर दे। और आपको पता है कि 2005 के अंदर जब गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ कानून पास हुआ था, उसमें आपको पता है कि ये कानून जब आया 299 में भी कुछ अमेंडमेंट की गई थी, तो कती सूरत कसास दियत आर्डिनेंस को ख़त्म या बदलने में ये इसने कोई किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं किया था। अब ये जो खातून जिसको कत्ल किया जाता है गैरत के नाम पर या उसके ख़ानदान को ये इख्तियार उस औरत को मारने के बाद ये इख्तियार उनके पास चला जाता था कि ख़ानदान का एक फ़र्द उसको कत्ल करता था, दूसरा फ़र्द उसको माफ़ करने आ जाता था, और यूँ आपको पता है प्रोसिक्यूशन बहुत वीक होती थी और आम तौर पर गैरत के नाम पर जो कत्ल होते थे वो मुजरम जो थे वो छूट जाते थे। और राजीनामा, माफ़ीनामा सबसे बड़ी वजह यही बनती थी कि आनर किलिंग्स हुई है और आमतौर पर औरतों को कत्ल करने के बाद सुलह हो जाती थी, कोई राजीनामा हो जाता था, और ये राजीनामा कोई घर के अपने अफराद इस तरह से वो कर लेते थे, और या तो कानून की दफात की वजह से वो मुल्ज़म बच जाता था प्रोसिक्यूशन से, या जो कातल का दूसरा कोई रिश्तेदार करीबी होता था उसी फैमिली का, वो उसको माफ़ कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको पता है कि अभी ये 2016 से पहले भी थोड़ा सा मामला को
टाइट किया गया था 2005 में, तो नहीं ये मामला सामने आना शुरू हो गया। 2005 से डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन 2016 तक इस पे मुकम्मल तौर पर ग्रिप ले ली गई कि अब भाई माफ़ी जो उस मुल्ज़िम को मुजरिम को देनी या ना देनी, ये बात एक्सेप्ट करना जो है वो अदालत का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। अब वो चाहे तो वो माफ़ करे, चाहे तो वो ना माफ़ करे। इस हवाले से 2015 की एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये कहा गया था कि अब ये ऐसे जराइम हैं जो कि फसाद फिल अर्ज़, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो कहा कि जिसने एक जान को कत्ल किया गोया उसने पूरी कायनात को कत्ल कर दिया, और ऐसे जराइम के बारे में अगर सख्ती नहीं की जाती तो ये माशरे के अंदर इंतशार फैलेगा। और आपको पता है कि ख़वातीन का मारवाए कानून, इस तरह जो कत्ल है गैरत के नाम पर, आनर किलिंग, शेम किलिंग, कारोकारी, सियाकारी के नाम पे औरतों का जो कत्ल है वो रोज़मर्रा का मामूल बनता जा रहा है। इस वजह से इसको आड़े हाथों में लेना है। 2015 में ये जजमेंट पास की गई और जुलाई 2016 में आपको पता है कि ये उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया था कानून को मज़ीद। और इस हवाले से अगर आप एक लैंडमार्क जजमेंट है NLR 2015 CRLJ पेज 383 इस बात की बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रटेशन करती है। उसके बाद पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 306B के मुताबिक अगर कोई शख्स मर्द या औरत अपने बेटे या बेटी, पोते या पोती, नवासे या नवासी को कत्ल करे तो इस कत्ल जो कत्ल अमद हुआ है उस पर कसास का अतलाक नहीं होगा। अब 306B वाजे कर देती है कि अपना जब कोई अपने को मारेगा तो कत्ले अमद का तलाक नहीं होगा, उस कत्ले अमद पर कसास नहीं लगेगा, कसास का तलाक नहीं होगा, मामला थोड़ा सा लीनियंट हो गया। इसी तरह आपको पता है कि सेक्शन 306C पाकिस्तान पीनल कोड 1860 जो है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स मर्द या औरत अपने अजवाज यानी शोहर बीवी को या बीवी शोहर को कत्ल करे और बवक्ते कत्ल कातल या कातला की मकतूल मकतूला से कोई औलाद हो, यानी मियां बीवी एक दूसरे को अगर कत्ल करे और उनकी औलाद भी हो, तो ये कत्ल अमद जो है वो काबले कसास नहीं है, क्योंकि अगर कसास हो गया तो फिर दूसरे वही तो वारसान हैं और सारे मुतासर हो जाएंगे। और इस सूरतों में कत्ल जिन पर कसास का अतलाक नहीं होता है इसकी सज़ा दियत की अदायगी, आपको पता है, और दियत हर साल जुलाई में रिपीट, कभी 19 लाख, कभी 20 लाख, कभी 23 लाख, लेकिन आम तौर पे ऐसी सूरतों में ख़ानदान का ही बंदा कोई ना कोई कंप्लेनेंट होता है तो वो माफ़ करने आ जाता है। और अदालत के पास आपको पता है कि अब ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो मुकदमे के हकायक और मुकदमे के हालात व वाक़ियात को मद्देनज़र रखते हुए उस जो मर्डरर है उसको कैद की सज़ा जो कि 25 साल तक होनी चाहिए, 25 साल तक उसको सज़ा दे। और कानून में ऐसे कत्ल बारे कैद की सज़ा जो है लाजमी नहीं, ना कम से कम कैद की सज़ा की मुद्दत का मुय्यन किया गया है, यानी 25 साल इसकी सज़ा जो है मुतय्यन कर दी गई है। और ये मामला जो है कितनी अरसा आपने कैद देनी है, ये मामला मुकदमे के हकायक और मुकदमे के हालात की रोशनी में अदालत के स्वाबदीद पर छोड़ दिया गया है। अब अगर हम सेक्शन 306B, सेक्शन 306C पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को मद्देनज़र रखते हुए कत्ल के मुकदमात में हम देखें कि वरसा जो हैं एक दूसरे को राजीनामा कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ कुछ गिव एंड टेक हो जाता है मुआवजा लेकर, या हत्ता के बगैर किसी मुआवजे के भी ख़ानदान के लोग होते हैं आपस में सुलह करने का इख्तियार रखते थे, लेकिन गैरत के नाम पर जब कत्ल होता है तो इस राजीनामे को बहुत बड़ी बुनियाद बना के लोग बच जाते थे। और ऐसे मुकदमात में आम तौर पे पैरवी भी कोई नहीं करता था, लेकिन अब मामला थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करते हुए क्या किया गया है कि राजीनामे का इख्तियार जो है वो अदालत को दे दिया गया है जुलाई 2016 के अमेंडमेंट के तहत, कि अगर अदालत चाहे तो वो उस राजीनामे को एक्सेप्ट करे, अगर चाहे तो वो मुस्तरद कर दे। अब जो नई
कुछ सजेशंस भी आई हैं ऑनर किलिंग्स के हवाले से, जुलाई 2016 से ऑनवर्ड काम हो रहा है, लेकिन अभी तक उस पर बाकायदा लेजिस्लेशन नहीं हुई है। ख्वा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हर साल एवरी ईयर 1000 से ज़ायद लोग जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो गैरत के नाम पर कत्ल हो जाती हैं। अब गैरत के नाम पर कत्ल को फसाद फिलर्स के अंदर जब ये आ जाता है और अगर ये उसमें मामले को ले आया जाता है, तो पाकिस्तान पिनल कोड की सेक्शन 311 के तहत अगर अदालत ये महसूस करे कि जो मर्डर है वो सबका रिकॉर्ड याफ्ता है, पेशावर मुजरम है, तो वो 14 साल तक की सज़ा दे सकती है, और अगर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है तो उसे सज़ा देगी जो कि 10 साल से कम ना हो, और आप इस सज़ा को 10 साल से बढ़ा के 25 साल तक के लिए करने के ऊपर जो है वो काम किया गया है। क्योंकि बुनियादी तौर पर 2015 में भी और 2016 में भी जो अदालती हाई अप कोर्ट्स का जो व्यू रहा है वो हमेशा से यही रहा है कि ऐसे जो जराइम हैं जो कि माशरे के अंदर इंतशार का बायस बन रहे हैं, फसाद फिल अर्ज जो है उसके मामलात को उभार रहे हैं, फसाद ज़मीन के ऊपर मज़ीद इंस्टिकेट किया जा रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा स्नप किया जाना चाहिए। इस हवाले से NLR 2015 CRLJ पेज 383 और 2016 YLR पेज 40 सिंध हाई कोर्ट का कारोकारी के ऊपर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट इसमें दी गई है। और आपको पता है कि अगर हम फसाद फिल अर्ज की बात करें तो फसाद फिल अर्ज के असूल के तहत वो तमाम जराइम आते हैं जिनसे माशरे में इंतशार, खौफ, बेचैनी, बदअमनी फैल जाए और एक कत्ल से पूरे माशरे पर आपको पता है कि मनफी असरात मरतब होते हैं, खौफ व हरास फैल जाता है, और गैरत का नाम लेकर कत्ल करने से मासूम बच्चियों के जहन पे आपको पता है कि खौफ आ जाता है और खौफ के लिए वो अपने आप को गैर महफूज समझने लग जाती हैं, और आपको पता है कि फसाद फिल अर्ज जो है वो इसी चीज़ का 311 सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड 1860 जो है इसी बात को इंटरप्रेट करती है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उसके अंदर भी पाकिस्तान पिनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है 1898 उस हवाले से जो सेक्शन 345 है राजीनामे की, उसके अंदर कुछ वजाहत की है कि जो किसी जुर्म में राजीनामे की इजाज़त, इख्तियार और उसके जो रूल एंड रेगुलेशन से मुतल्लिक हैं, जिसकी बिना पर किसी राजीनामे की वजह से गैरत के नाम पर किए जाने वाले जो कत्ल हैं उनके मुजरिम को राजीनामे की बिना पर बरी किया जा सकता है। आपको पता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की जो सेक्शन 345 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 345 की सब सेक्शन 6 गालिबन है, इसके अंदर अदालत ने इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों ये आसफ सईद खोसा साहब भी उस बेंच में थे और उसमें काफ़ी हद तक जो है उसमें लिखा गया उस जजमेंट में कि इस तरह से जो रिहाई की जाती है ये रिहाई समझौते का यानी उस तरह के राजीनामे का खुदकार नतीजा नहीं है, चाहे ऐसा किसी राजीनामे को मरने वाले के तमाम बुरसा मिल के उसको माफ़ कर रहे हैं, और क्योंकि ये सारा मामला एक फैमिली के अंदर ही किया जाता है, गैरत के नाम पे मर्डर फैमिली का ही कंप्लेनेंट होता है, मर्डर भी फैमिली का होता है, और सेक्शन 345 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 345 सब सेक्शन 6 मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि ऐसे राजीनामे को खास सारे वरसा उसकी रेटिफिकेशन करें, लेकिन ऐसा जो राजीनामा है वो खुदकार यानी उसको अदालत को फौरी तौर पर उसको मंजूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे जो जराइम हैं वो माशरे के अंदर खौफ व हरास, बेचैनी का सबब बनते हैं।
अब पिछले दिनों हमने एक लैंडमार्क असेसमेंट देखी, लाहौर हाई कोर्ट की 2014 की लैंडमार्क असेसमेंट है। उसमें जो आनरेबल जज साहब हैं उन्होंने कहा कि गैरत के नाम पर कत्ल का जो इरतकाब है वो काबिले राजीनामा जो है उसको कहा गया था उस वक्त, और लवाहकीन की रजामंदी हासिल करना जो है वो मुनासिब मौजू नहीं है, क्योंकि फैमिली के अंदर ये सारी खिचड़ी पकी है, फैमिली के लोग ही उसमें शामिल होते हैं। और अब अदालतों को चाहिए कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और अदालतें इस के पास चूँकि इख्तियार है तो उस अदालत को चाहिए कि इस मामले को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लिया जाए। और इस हवाले से आप लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2014 लाहौर हाई कोर्ट पेज 541 के अंदर इस बात को जो है वो वजाहत इसकी मिल जाती है। और ऐसे राजीनामा जो है वो डायरेक्टली वो रसा कैसे कर सकेंगे, उससे पहले अदालत से इजाजत लेना भी तो उसके लिए लाजम है, लेकिन अब अदालत की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो चाहें तो वो उस राजीनामे को मंजूर करें या उस राजीनामे को मुस्तरद कर दें। और अदालत ऐसे राजीनामे को मुस्तरद करते हुए मुलजम को उस राजीनामे की बिना पर बरी करने से इनकार भी कर सकती है, उस राजीनामे को भी मुस्तरद कर सकती है। इस हवाले से अगर हम देखें तो जो है प्रोवोकेशन का मामला भी आ जाता है, कि जैसे एक केस है 2006 का, कि पेशावर का एक केस है कि एक शख्स ने अपनी बीवी और तीन बेटियों को हलाक कर दिया। और जब उस खान साहब से पूछा गया कि खान साहब आपने अपनी बेटियों को, तीन बेटियां थी आपकी बीवी थी, उसको क्यों कत्ल किया, तो उन्होंने कहा कि जी ये मुझसे इजाज़त लिए बगैर घर से बाहर जाती थी, और क्योंकि ये गैरत का मामला था मैं फ्लेयर अप हो गया था और मैंने बंदूक उठाई और बीवी को भी और तीन बेटियों को कत्ल कर दिया। तो उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट के पास जब ये केस किया तो ये मामला सामने आया कि बगैर किसी वजह के फायरिंग करके चार मासूम लोग यानी उसकी बीवी और उसकी तीन बेटियों की जान उसने ली है। और अब इस वजह से कि फैमिली का मामला है और फैमिली के दूसरे लोग उसमें कंप्लेनेंट हैं, फैमिली के दूसरे लोग ही उसके वरासा हैं, और इस हवाले से क्योंकि मकतूलीन जो थे उनके वरासा जो दूसरे लोग थे वो अपने हक़े कसास से दस्तबरदार हो गए हैं। और इस बार क्या हुआ कि अदालत ने कहा कि इस पे हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और पेशावर हाई कोर्ट ने इस मामले को फसाद फिल अर्ज के ज़ुमरे में उसको 40 साल की कैद 2006 में सुनाई थी। और हुआ इस तरह से कि 4 बार 10 साल की सज़ा उसको दी, और टोटल 40 साल, लेकिन उन उसमें ये उसको हो गया कि ये जो चारें सजाएं हैं ये यकदम एक साथ चलेंगी, तो यानी उसको 10 साल की सज़ा दे दी गई थी। और उसके बाद 2016 के अंदर इसको मजीद स्ट्रिक्ट करने की तरफ रुझान चला गया हाई अप कोर्ट्स का, और अब आपको पता है कि 25 साल तक भी इसमें मामला आ जाता है। अगर आप खान साहब वाला केस देखना चाहें तो PLD 2006 पिशावर हाई कोर्ट पेज 82 जो है वो इस उस केस की इंटरप्रिटेशन करता है। अब मामला यह है कि गैरत के नाम पर कत्ल करने के बाद उसी फैमिली का जो कंप्लेनेंट है वो जब समझौते के लिए, राजीनामे के लिए दरख्वास्त देता है अदालत से, इजाज़त चाहता है कि हम राजीनामा कर रहे हैं, इजाज़त फरमाई जाए, तो अदालत चंद चीज़ों को देखती है। इस तरह जायजा लेती है अदालत के राजीनामे के तमाम वरसा ने मुश्तरका तौर पर क्या किस तरह से उस मामले को लिया है, क्या मुश्तरका तौर पर सब ने उस राजीनामे को कबूल किया है। दूसरी बात ये अदालत उस बात को देखती है कि आया कोई कानूनी वारस या नाबालिग तो नहीं है, अगर है तो आया नाबालिग फर्द ने राजीनामे की मंजूरी पाकिस्तान पीनल कोड की जो स्पेशल शिक के मुताबिक दी है,
अगर ऐसा नहीं है तो अदालत ऐसे नाबालिग को राजीनामा ना कर सकने वाले वली के तौर पर देखेगी कि अब वो तो खुद से तो नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि जो तरीक़ेकार कानून के अंदर है उसके मुताबिक ये आए हैं या नहीं आए हैं। उसके बाद तमाम वरसा की जानब से राजीनामे के मुकदमे में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी होती है कि आया ये मुकदमा फसाद फिल अर्ज़ के ज़ुमरे में तो नहीं आता। अगर ऐसा मामला है तो समझौते के बावजूद भी अदालत जब फसाद फिल अर्ज़ की मामले को लेगी सेक्शन 311 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसको डील करेगी तो फिर अदालत थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रवैया अपनाएगी कि ख्वाह वो माफ़ भी कर दें मक्तूलीन तो भाई फिर भी जो है उसको सजा देनी चाहिए। और ऐसे किसी मुकदमे की सूरत में जो सेक्शन 311 के तहत जो सजा दी गई है 10 साल से पहले थी या फिर 25 साल हुई है उसके मुताबिक इसको ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद उस केस के अंदर जो शवाहद हैं, जो हकायको हालातो वाक़ियात हैं जो अदालत के सामने पेश किए गए हैं, वो अदालत को क्या इस बात पे यकीन है कि अब मामला इस तरह का है कि ये मामला फसाद फिल अर्ज में फाल करता है और ये मामले को स्ट्रिक्टली हैंडल किया जाना चाहिए और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की सेक्शन 345 सब सेक्शन 2 के तहत समझौते की इजाज़त क्या नहीं देनी चाहिए, ये बात जो है क्या हालात वाक़यात इस बात की इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। अब बात आ जाती है कि 2005 की जो अमेंडमेंट है गैरत के नाम पर जराइम में राजीनामा कत्ल और जिस्मानी ज़ख्मों के दीगर जराइम से उससे मुख्तलिफ मामला सामने आते हैं और पाकिस्तान पीनल कोड में आपको पता है कि हर्ट केसेस के हवाले से जो औरतों के ऊपर आ जाता है 338E1 जो है और इसका एक इजाफा किया गया और 2A के नाम से जो है एक 345 सेक्शन CRPC में ये ऐड की गई थी। और अब अगर हम देखें तो ये ऐसे जराइम से मुतलका है जो कि मकामी तौर पर जैसे सियाकारी का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कारोकारी का वर्ड लोकल लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इन तरमीम जो हुई हैं इनके मुताबिक गैरत के नाम पर होने वाले जितने भी जराइम हैं वो काबिल राजीनामा सिर्फ अदालत की स्वाबदीद पर अब वो करार पाएंगे कि अगर राजीनामा आना भी है तो अदालत की अपनी स्वाबदीद है और फ्री कैन ख्वा उसमें राजी हैं सारे, लेकिन फिर भी अदालत की स्वाबदीद है कि वो चाहे तो गैरत के नाम पर जो भी वायलेंस हुआ है, जो भी जराइम हुए हैं उसकी मंजूरी दे या उसको मुस्तरद कर दे। और इस हवाले से अगर हम देखें तो मुकदमे के जो हालात व वाक़ियात को मलहूज़ ख़ातर रखा जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पिछले दिनों इस बात पे बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी है और 2013 SCMR पेज 271 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था कि ऐसे जो जराइम हैं वो कती सूरत जो है उनको नरम हाथों से ट्रीट ना किया जाए बल्कि सख्ती के साथ ऐसे जराइम को देखा जाना चाहिए और ऐसे जराइम में कती सूरत फौरी तौर पर अदालत को बेल भी ग्रांट नहीं करनी चाहिए और बेल के मामलात को भी मैकेनिकल तरीके से नहीं निपटाना चाहिए बल्कि माशरती असरात जो उस जुर्म के हैं उनको भी देखना चाहिए। इस हवाले से PLJ 2015 CRC पेज 420 जो है वो हमें वजाहत देती है और इस हवाले से इससे पहले 2010 PCRLJ पेज 1134 लाहौर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जो इस बात पे इंटरप्रिटेशन करती है कि ऐसे जराइम जो कि गैरत के नाम पर जो वायलेंस किया जाता है, जो किलिंग्स की जाती हैं उनको इजी हैंड्स के साथ नहीं बल्कि स्ट्रिक हाथों से लेना चाहिए और अदालत को उस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए। और इस हवाले से यहाँ तक कहा गया था कि फौरी जोश का जो
फौरी तौर प्रॉम्प्ट जो है प्रोवोकेशन का उजर ले लिया जाता है, और झूठे इस तरह की प्लीज गाड़ ली जाती हैं कि जी फौरी जोश आ गया था इस वजह से मर्डर हो गया है। तो ऐसे प्लीज जो है जो एक मुल्ज़म लेता है उसको अदालत को चाहिए कि वो उसको मुस्तरद करे। इस हवाले से 2010 PCRLJ पेज 1134 जो है वो हमें इस हवाले से इंटरप्रिटेशन देती है, और 2014 YLR पेज 1233 जो है वो इस बात को मजीद इसकी वजाहत देती है, और 2013 YLR पेज 2190 जो है वो इस बात पे इंटरप्रिटेशन देती है कि ख्वा मुकदमा किसी भी नहज पे हो, जब गैरत के नाम पर कत्ल का मामला आ जाता है तो खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा हो जाती है माशरे के अंदर, तो ऐसे मामलात में ज़मानत जो है वो नहीं देनी चाहिए। और इस केस को इंटरप्रेट किया गया था 2013 YLR पेज 2190 में, और उसके बाद जब भी कभी गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है, ख्वाह अपनी बीवी को भी करता है, बेटी को करता है, बहन को करता है, तो ऐसा मुल्ज़म रायत का मुस्तक नहीं है। मारवाई कानून वो किसी को कत्ल कर रहा है तो वो किसी रायत का मुस्तक नहीं है। ऐसे शख्स की हमेशा ज़मानत जो है वो कानून कहता है और हाई अप कोर्ट्स कहती हैं कि ऐसे मुल्ज़म की जो ज़मानत है वो मंजूर नहीं करी जानी चाहिए। इस हवाले से PLJ 2013 CRC पिशावर हाई कोर्ट पेज 821 जो है वो काफ़ी हद तक हमें इंटरप्रिटेशन देती है। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले तक तो मुल्क की आला अदालतें ऐसे मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर कर लेती थीं जो किसी रिश्तेदार औरत के साथ किसी गैर मर्द को काबिल एतराज़ दे हालत में देकर आमतौर पर ये झूठी प्ली लेते थे। फौरी जोश आ गया था गैरत के ज़ेर असर, जनाब लड़के को भी और लड़की को भी दोनों को कत्ल कर दिया, और बस ये गैरत जाग गई थी, सडन प्रोवोकेशन हो गई थी, तो बस अचानक से कत्ल हो गया है। लेकिन अब ये मामला जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो उसको स्टिक किया गया है, और कानून इस पर वाजहत देता है कि ऐसे लोग जो हैं वो माशरे के अंदर फसाद फुल अर्ज का सबब बन रहे हैं, इस वजह से ऐसे मुल्ज़मान को किसी किस्म की रायत नहीं देनी चाहिए, और बेल की जो रायत है वो ऐसे मुल्ज़मान को नहीं ग्रांट की जानी चाहिए। इस हवाले से PLJ 2013 CRC पेज 821 जो है पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट वो हमें काफ़ी हद तक जो है वो सपोर्ट करती है। उसके बाद सेक्शन 345 की सब सेक्शन 2A मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के मुताबिक अगर कोई फेल जो कारोकारी सियाकारी या किसी दीगर ऐसी रवायतें ये मकामी लोगों के मकामी नाम रखे हुए हैं, यानी आनर किलिंग को शेम किलिंग को इन्होंने नाम दे रखे हैं, और ऐसा फेल जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अगर जुर्म है तो ऐसे तमाम जराइम के अंदर जो राजीनामा है वो सिर्फ़ उन्हीं शरायत पर हो सकती है जिनको अदालत मकदमे के हालात वाक़ियात और फ्रीकैन की रजामंदी से मुनासिब समझते हुए तय करेगी अपने इख्तियारात को, ख्वाब मंजूर करे या मुस्तरद करे अदालत के पास पार है। इस हवाले से NLR 2015 CRC पेज 526 और NLR 2015 UC पेज 361 जो है वो इस स्टांस को काफ़ी हद तक जो है वो इंटरप्रेट कर देती है। अब जहाँ पे हमारे यहाँ अगर हम पंजाब में सिंध में बल्कि हर सूबे में अगर हम देखें तो गैरत के नाम पर खातून ने अगर अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो वो यारो मददगार हो जाती, फैमिली से कट ऑफ हो जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, और इतना सख्त दिल हो जाते हैं कि एक किसी ख़ानदान के किसी शख्स के आंखों से आंसू भी नहीं टपकते और बस बल्कि फख्र महसूस किया जाता है कि ख़ानदान की इज्जत को बहाल कर दिया गया है उसको कत्ल करने के बाद। तो ऐसे मामलात को हाई अप कोर्ट्स अब स्ट्रिक्टली ले रही है,
और ऐसे मामलात में अदालतें जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए ऐसे लोगों की जमानतें जो हैं वो खारिज करती हैं, और अदालतें वाजे कर देती हैं कि ये जो मामलात हैं किसी भी खातून की के साथ ज़बरदस्ती, किसी के साथ हाई हैंडेडनेस, ख्वाह वो आपकी बेटी है, बहन है, जो बीवी है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर कोई मामला आ जाता है जो मकामी रसूमात के तहत उसको उसके ज़्यादती ज़ुल्म जो है वो अगर पाकिस्तान पिनल कोड के तहत काबिल ताज़ीर है तो फिर कोई माफ़ी नहीं होगी। फिर ऐसे मामलात में अगर उसके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई है तो फिर कानून हरकत में आएगा, क्योंकि इंसानी आज़ादी जो है वो सलब हुई, इंसान की ज़िंदगी का हक जो है वो सलब हुआ है, और आईन पाकिस्तान जो उसको राइट दे रहा है वो उसका सलब किया गया, और अल्लाह भी अपनी महलूक को कदर व कीमत रहमियत देता है। इंसान को शरफुल महलूक पैदा किया गया, उसको आज़ादियाँ दी गई हैं, और ऐसे अगर मामलात होते हैं कारोकारी जैसी ज़ालमाना रसूमात की बिना पर जो ख़वातीन को कत्ल किया जाता है, उस पर आला अदलिया ने हमेशा से ये स्टैंड रखा है कि ऐसे लोगों को सख्ती के साथ हैंडल किया जाएगा, और ऐसे लोगों की ना सिर्फ ज़मानत मुस्तरद की जानी चाहिए बल्कि उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जानी चाहिए। इस हवाले से 2013 PCRLJ पेज 950 और 2014 MLD पेज 1464 जो है वो इस बात की बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रटेशन करती है। अभी पिछले दिनों 2018 में कुछ केस सामने आता है कि कत्ल के मुकदमा, इसी तरह आनर किलिंग हुई, आनर किलिंग में प्ली ये ले ली गई कि ये खातून जो हैं इन्होंने घर से भाग गई थी और शादी कर ली थी, ख़ानदान की इज्जत बर्बाद करती थी, तो इस बनाव के ऊपर इसको कत्ल कर दिया गया है। और इस तरह के जो मामलात हैं उसमें अदालतों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से माशरे के अंदर बद यकीनी और बेयकीनी और खौफ व हरास फैलता है, फसाद फिल अर्ज का सबब बनते हैं। और ये लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर ऐसे शख्स की ज़मानत को खारिज भी किया, और रिपोर्टेड केस है 2018 LR लाहौर पेज 92B जो है इसमें इसको इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद अभी 2018 में ही केस सामने आता है कि कंप्लेनेंट के मुताबिक जो है एक FIR होती है जिसमें कंप्लेनेंट कहता है कि उसे एक बीवी है, वो कहती है कि अपने खावन से उसको जान का ख़तरा है, क्योंकि उसने उसके शोहर ने उस बीवी को कारी करार दे दिया है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, और इस वजह से बीवी ने कहा कि मुझे फौरी तौर पर आप दारुल अमान भिजवा दें, मेरे खावंद के पास ना जाने दें, ये मुझे कारी करार दे चुका है और ये मुझे कत्ल कर देगा। और उसी खातून ने अपने शोहर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा भी दायर किया हुआ था, और FIR की रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन भी दी हुई थी। आप ये सारे मामलात को देखते हुए अदालत ने काफ़ी हद तक उसको पुलिस को कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करें मामले को, फिर वो बात निकले। लेकिन उस मुकदमे में रिपोर्टेड केस है, लेकिन उस मुकदमे में औरत ने गलत इल्ज़ाम लगाया था, खामन जो था वो बेचारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी और बाद में मुख्तलिफ जो इंक्वायरीज हुई उसमें बेगुनाह था कि इसने कोई ऐसा मामला नहीं है, बेज़रर है। औरत बजाते खुद जो है चूँकि वो उसके साथ रहना नहीं चाहती, कहीं और शादी करना चाह रही थी, अब वो खुला की बिना पर वहाँ से वो तनसीह निकाह भी चाहती थी और आगे शादी भी चाहती थी, तो वो सिर्फ प्रिजम्पशंस की बिना पे कि कहीं ये मुझे कत्ल ना कर दे, वो खुद से ही उसने कहानी गढ़ के उसके खिलाफ FIR की रजिस्ट्रेशन की भी एप्लीकेशन दी हुई थी, और उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर दावा भी दायर किया हुआ था।
लेकिन ऐसी कोई मामला नहीं था। इस तरह के मामलात भी सामने आते हैं, लेकिन अगर कारोकारी का मामला आ जाए तो उसको स्ट्रिक्टली हाथों से लिया जाएगा, और अगर गलत इल्ज़ाम है तो ऐसी सूरत में जो है ऐसी प्रोसिक्यूशन जो है वैसे ही इस्तगासे का स्टांस जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर है। और बड़ा दिलचस्प केस है, ज़रूर पढ़िएगा, 2018 YLR नोट 56 और पेज 45 में इसको रिपोर्ट किया गया था। दोस्तों, आनर किलिंग, शेम किलिंग, कारोकारी, सियाकारी, ये जो अल्फाज हैं हमारे मकामी सूबों में इस्तेमाल होते हैं, इसकी बिना पर जो कत्ल आम किया जाता है औरतों का, इस हवाले से चंद एक पॉइंट्स थे जो हमने आज शाम को बैठे हुए चाय के एक कप पे मुख्तलिफ दोस्तों ने शेयर किए थे। मैंने कहा अपने सब दोस्तों के साथ शेयर किए जाने चाहिए। बाकी रात का वक्त है, नींद भी आ रही है, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।